हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम त्रुटि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये त्रुटि से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि RRB स्केल 2, PO, क्लर्क, नाबार्ड राजभाषा। और अभी नाबार्ड ग्रेड ए की बहुत सारी वैकेंसी भी आई हुई है और जिसमें नाबार्ड राजभाषा के भी पद हैं, तो अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो त्रुटि होती है वो कई प्रकार से होती है, लेकिन हम यहाँ पर वर्तनी से संबंधित त्रुटियों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे अगर निर्देश की बात करें तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छाटिए। यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर जो वर्तनी की बात किया जाए तो वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग्स यानी मात्राएं। अगर हिंदी भाषा के शब्द में मात्राओं का उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि मानी जाती है। तो इन जो पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इन पांच ऑप्शन में से आपको ऐसा शब्द बताना है कि जिसमें मात्राओं का उचित प्रयोग किया गया हो और वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो। तो यहाँ पर पहला शब्द है प्रतिदर्श, नेक्स्ट है हमारा दृष्टा, फिर है रचयिता, फिर अगला है आहार और पांचवा ऑप्शन है इनमें से सभी शब्द शुद्ध है। अगर ये चारों ऑप्शन में मात्रा सही प्रकार से लगी हुई है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पांचवा, इनमें से सभी शब्द शुद्ध है। सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है दृष्टा, दृष्टा सही शब्द नहीं होता है। सही शब्द क्या होता है, दृष्टा, यानी जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला जो ऑप्शन है रचयिता, वो भी सही नहीं है, गलत तरीके से लिखा गया है। सही शब्द हमारा होता है रचयिता, यानी या में छोटी ई की मात्रा लगी होती है। आहार शब्द सही नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, आहार, क्या होता है, आहार। तो इस तरीके से हमारा जो सही शब्द है या शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द होगा प्रतिदर्श, इसमें सही प्रकार से वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में भी आपको यही बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं आविष्कार, देवर्षि, जमाता, निशब्द, इनमें से सभी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो लिखा गया है वो देवर्षि, देवर्षि सही शब्द नहीं होता है। सही शब्द क्या होता है, देवर्षि, यानी वा में बड़ा की मात्रा नहीं लगी होती, क्योंकि जो देवर्षि शब्द होता है वो देव जमा ऋषि से मिलकर बना होता है। अगला शब्द जो है जमाता शब्द सही नहीं होता है। सही शब्द क्या होता है, जा माता, क्या होता है, जा माता। निशब्द भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध तरीके से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है आविष्कार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर मात्राओं का सही प्रयोग किया गया है। पांचवा ऑप्शन नहीं हो सकता है इनमें से सभी, क्योंकि ये तीन जो शब्द हैं उनमें मात्राओं का सही प्रयोग नहीं किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसमें एक ही शब्द के ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस्कार, पुरुष्कार, परुष्कार, पुरुष्कार, या इनमें से सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। तो शब्द हमारा जो दो ऑप्शन तो आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि पौरुषकार, परुषकार ऐसे शब्द नहीं होते हैं, लेकिन जो कन्फ्यूजन हो रही होगी वो हो रही होगा ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। बोला जाता है कि उस व्यक्ति को पुरस्कार, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, उस चीज के लिए पुरस्कार दिया गया, लेकिन अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द जो होता है वो होता है पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके ऑप्शन में भी एक ही शब्द के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मात्राओं को फेरबदल किया गया है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पारलौकिक, परलौकिक, 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 इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा गया है जिसमें सही मात्राएं प्रयोग की गई है। तो शब्द हमारा यहाँ पर जो है वो है, सही शब्द है पारलौकिक, यानी ला में अ की मात्रा लगती है ना कि ओ की मात्रा लगती है, और पा में बड़ा की मात्रा भी होती है। तो इस तरीके से सही शुद्ध शब्द क्या होगा, पारलौकिक। अगला जो शब्द है, प्रश्न है, उसके ऑप्शन में अलग अलग शब्दों के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है अंताक्षरी, पूजनीय,
कवित्री, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अंता सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है पूज्यनीय, पूज्यनीय सही शब्द नहीं होता है। सही शब्द जो होता है वर्तनी की दृष्टि से वो होता है पूजनी। देखिए एक शब्द जो होता है वो शब्द होता है पूज्य और एक पूजनी होता है, एक शब्द होता है पूज्य। पूज्य तो इसी प्रकार से लिखा जाता है कि पा में पड़ाव की मात्रा आधा जा और या, लेकिन जब हम इसमें प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं और वो जो प्रत्यय है वो होता है ईय प्रत्यय, तो ये जो शब्द मिलकर बनेगा वो हो जाता है पूजनीय, यानी वर्तनी की दृष्टि से शब्द होता है सही पूजनीय। अगला जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, तो ये शब्द है कवित्री। कवित्री जो होता है वो शुद्ध तरीके से इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा होती है। अगला डी ऑप्शन है उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है, सही शब्द वर्तनी की दृष्टि से होता है उपर्युक्त। सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला अंताक्षरी। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं तो वो आप ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप किसी भी नाबार्ड या राजभाषा या नाबार्ड के अन्य पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए कोर्स में इनरोल कराएं, जिससे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर अपने दिए गए जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोर्स में इनरोल कराएं।